गाइज, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज एक नए व्लॉग में आपका वेलकम करता हूँ। और आप देख ही रहे हो, अभी कुछ मेरे फेस से आपको पता लग रहा होगा कि जस्ट मैं अभी उठ के बैठा हूँ, क्योंकि बाहर का आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आज दिल्ली में क्या हुआ है। ये देखिए साहब, वो देखिए, वो क्या लटक गया वहाँ से। और मौसम देखो भाई साहब, क्या गजब का है, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम। और सामने में देखो, हमारे उधर बिल्कुल यार पानी भर गया भाई। और अभी जाना भी है तो देखते हैं कि कैसे, उधर देखिए वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं जाने के लिए। उधर में मेरी गाड़ी खड़ी है और अभी जाना है नैन्सी को भी छोड़ने। तो भाई साहब आज आ रहा है मस्त वाला मज़ा दिल्ली में। क्या बात है, आप लोगों के यहाँ बारिश पड़ी है कि नहीं पड़ी है, कैसा मौसम है मुझे कमेंट करके बताना। अभी 2 से 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है जो प्रेडिक्शन है मौसम विभाग वालों का। और बाकी देख लो भैया, गर्मी से राहत मिल गई। तो जी, दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मैं जा रहा हूँ नैन्सी को छोड़ने, बट आप बाहर देख सकते हो क्या सीन है अभी। अरे बाप रे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उधर कैसे जाऊँगा। वो देखो भाई कैसे स्किट करते हुए जा रहा है, और अभी मुझे वहाँ तक का सफ़र तय करना है, अब कैसे जाऊँ वो देखता हूँ। अरे बाप रे, कैसे जाएँ। मैंने ये 2 पत्थर अभी डाले हैं और फिर उधर निकलने की कोशिश करते हैं। वो सामने में खड़ी है गाड़ी, मिल गया हमें यहाँ से रास्ता मिल गया। अभी एक बंदा आया था, मैंने देखा तो वहाँ मैंने पत्थर डाले थे, अब उसका काम नहीं। अब जाता हूँ सीधे गाड़ी। तो अभी बाहर का देखिए कितना बढ़िया व्यू लग रहा है, मस्त सा एकदम, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब तरफ हरा हरा भरा हो गया एकदम। हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं नैन्सी को छोड़ने के लिए। अब आगे देखते हैं, इनके हॉस्पिटल के पास का सीन बड़ा तगड़ा होता है, तो वहाँ जा कर के देखते हैं कि कैसा क्या है। ये देखिए बाहर क्या मस्त लग रहा है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर पेड़ वगैरह भी गिर गए हैं और काफ़ी तेज़ आंधी बारिश हुई है। आगे में देखिए यहाँ पर भी पेड़ गिरे हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि ये हॉस्पिटल वाला रास्ता है और यहाँ पर जो है पानी नहीं भरा हुआ है। तो अभी मैंने छोड़ दिया नैन्सी को और मैं जा रहा हूँ घर वापस। और ये देखिए यहाँ रास्ते में घर के रास्ते में भी पेड़ टूटा पड़ा है, देखो साइड से निकल के जाना पड़ता है। तो बहुत भयानक, देखो इधर भी पानी भरा हुआ है। तो काफ़ी भयानक रात को मंजर रहा और बहुत ज़्यादा। एक बार तो ऐसी बिजली कड़की कि मैं आपको क्या बताऊँ भाई साहब, बहुत ही तेज़। वो पक्का कहीं गिरी होगी, मतलब जैसे कड़कने वाली तो आवाज़ अलग होती है, जैसे जब बिजली गिरती है कहीं पर तो बहुत ही भयानक साउंड होता है, वो सीन था। तो बहुत ही ज़बरदस्त अभी मौसम हो रखा है और देखते हैं आज आगे क्या होता है। जो भी होगा मज़ा तो आएगा ही, तो आप इन्जॉय करिए फिलहाल और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और वो देखिए गाइस, वहाँ दूर में अगर आपको दिखाई दे रहा हो, बेचारे लोग पानी में भरे हुए में चल के जा रहे हैं। A few minutes later. A few moments later. तो जी फाइनली हो गया अपना वर्कआउट डन, और अभी कुछ टाइम हो गया मेरे को करते हुए, तो हमने स्टार्ट किया है और कोशिश जारी है अपने आप को भी इम्प्रूव करने की। और ये कोविड के बाद से यार थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई सब लोगों के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने भी वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है और अब लगे हुए हैं और चेंजेस आपको दिखना थोड़े टाइम में शुरू हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल वर्कआउट फिनिश हो चुका है और अभी थोड़ी देर में बाहर जाने का सीन है, तो फिर चलेंगे और मिलेंगे आपसे बाहर भी, तो आप इन्जॉय करिए। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम से और फिर वहाँ से नैन्सी को पिक करते हुए भी आऊँगा, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 12 seconds later. तो गाइस अभी अपना काम फाइनली फिनिश हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ नैन्सी को पिकअप करने के लिए, तो वहाँ पिकअप करते हैं उसको और फिर चलते हैं घर। तो गाइस अभी मैं नैन्सी का वेट कर रहा था, तो सोचा जब तक बाहर थोड़ा सा कुछ सामान ले लूँ। एक्चुअल में नारियल पानी मेरे को ख़रीदना था, यहाँ पे पास में ही एक ठेला लगा हुआ, एक स्टॉल है, वहाँ से ले लेता हूँ। तो नारियल पानी ले लेते हैं भाई, नारियल पानी दे दो यार, 4 पैक कर दो, ऊपर से काट के ना वैसे पैक कर देना जैसे पिछली बार करा था, पानी वाले देना अच्छे। तो ये भाई हैं हमारे घर के पास में ही लगाते हैं, तो इनसे हम अक्सर कर ले जाया करते हैं और उसमें पानी भरपूर निकलता है। नारियल पानी आजकल पीना चाहिए,
तो इसमें पोटाशियम होता है और ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए अभी इसको लेते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइज़ अभी यहाँ पर आम भी थोड़े अच्छे मेरे को दिख रहे थे तो मैंने सोचा ले लूँ। भाई के स्टॉल है, भाई ने प्रॉमिस किया है कि अगर मीठा नहीं निकलेगा तो वापस कर देना। तो अभी लेते हैं, पैक कराते हैं। और इधर आ गया हमारा बेले का जूस, ये भी बहुत हेल्दी होता है, तो फिलहाल ये पीते हैं और फल लेते हैं। भाई बड़ा सही है यार। और बेले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट ये बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, पीना चाहिए। तो अभी अपन ने ले लिया है सारे फल। A few moments later. तो फाइनली आ गई है नैन्सी। काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा, बट अभी आ चुकी है। तो अभी हम लोग निकलते हैं घर की तरफ और फिर सीधे मिलते हैं आपसे घर पे। और अगर आगे कुछ भी होता है तो वो भी शेयर करेंगे। इन्जॉय करिए आप हमारे साथ। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल हम आगे व्लॉग नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीजंस, और आज सुबह मुझे और नैन्सी को जाना है कुछ काम से, तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं जहाँ पर हमें जाना है। तो फिलहाल अपने काम के लिए निकलते हैं जो कि बहुत ही अर्जेंट है। उस दौरान आपसे मिलते रहेंगे और बातचीत होती रहेगी। चलिए चलते हैं। तो जी फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं, तो फटाफट से अपने काम को अब हम निपटाते हैं, उसके बाद यहां से निकलेंगे और आपसे मिलेंगे। A few minutes later. तो जी अभी हमारा काम फाइनली हो गया है और हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ, और अभी बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, तो फटाफट चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो जी मैं फाइनली आ गया हूँ घर वापस और अभी जा रहा हूँ ऊपर। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं घर, तो अभी सारा कुछ हो चुका है, तो फिलहाल व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आगे शूट करूँगा, आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आज के लिए हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होती है अपने अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।